सो अल्फा ईयर एंड आज के इस वीडियो में बात करेंगे दिवाली के बारे में। अब देखो दिवाली का ऐसा सीन था, पहले जब अपन छोटे थे तो जैसे दिवाली के लिए बहुत एक्साइटेड होते थे, जैसे 15-20 दिन पहले से जब दिवाली होता था उससे 15-20 दिन पहले से फटाके लाते थे एंड पूरे दिन फटाके फोड़ते रहते थे और काफ़ी चिल करते थे। मतलब अभी यार वो उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मतलब पहले तो दिवाली का इंतजार था, अब जीएफ का है भाई, मुंह की बात छील ली। तो खैर कोई बात नहीं, दिवाली भी आएगी और जीएफ भी आएगी, लेकिन अभी जो फ्री फायर में दिवाली इवेंट आने वाला है, मतलब अगले महीने नहीं, मतलब उससे अगले महीने, तुम्हें पता है नवंबर में दिवाली है एंड उससे 15-20 दिन पहले जो इवेंट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो भाई इवेंट जो होगा उसमें क्या क्या माल आ सकता है एंड क्या क्या रिवॉर्ड हो सकते हैं वो इस वीडियो में अपन बात करेंगे। एंड सब लोग इस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना अपन भी बहती गंगा में हाथ धो ही लेते हैं। तो पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड अभी मुझे लगता है वीडियो को शुरू करना चाहिए। मुकेश इंट्रो। तो देखो भाई सबसे पहले अपन बात करते हैं कि क्या क्या माल, मतलब क्या क्या माल तुम्हें इस बार दिवाली को देखने को मिल सकता है, मतलब हर दिवाली के हिसाब से बताएंगे अपन। एंड तुम्हें पता है हर दिवाली में, मतलब हर दिवाली इवेंट जब भी फ्री फायर में आया तो उसमें अच्छे अच्छे माल ही मिले हैं। एंड तुम्हें पता है पिछली दिवाली में बहुत अच्छे अच्छे माल मिले थे, इमोट वगैरह मिले थे एंड बहुत सारी चीज़ें मिली थी। तो देखो पिछली दिवाली में तुमको याद होगा एक मैजिक क्यूब भी मिला है और उससे पिछले दिवाली में भी एक मैजिक क्यूब मिला था। मतलब देखो हर बार जो दिवाली इवेंट आता है उसमें तुम्हें मैजिक क्यूब तो देखने को मिलता ही है। तो इस बार देखो ये तो कन्फर्म है कि तुम्हें एक मैजिक क्यूब जरूर देखने को मिलेगा एंड हो सकता है तुम्हें कुछ क्यूब फ्रेगमेंट दे दे, जैसे कि 70-80 क्यूब फ्रेगमेंट एंड उसी के साथ हो सकता है तुम्हें एक पूरा मैजिक क्यूब थमा दे। बट यहाँ पे 80% चांस है कि या तुम्हें क्यूब फ्रेगमेंट या मैजिक क्यूब जरूर मिलेगा और हर दिवाली पे मिला तो इस बार भी तुम्हें ये मैजिक क्यूब वगैरह तो मिलेगा। एंड उसी के साथ तुम्हें पता होगा पिछली बार जो दिवाली इवेंट था उसमें तुम्हें मैजिक क्यूब के साथ बंडल भी मिले थे, मतलब जो मैजिक क्यूब में जितने भी रेयर रेयर बंडल थे, मतलब जितने भी अच्छे अच्छे बंडल थे, ये क्रिमिनल वगैरह एंड ये आर्टिक ब्लू को छोड़ के, मतलब तुम्हें अच्छे अच्छे बंडल देखने को मिले थे। एंड मेरे पास उस टाइम 3 मैजिक क्यूब थे तो मैंने 3 मैजिक क्यूब से 3 बंडल बाय किए थे, पंडित वाला बंडल एंड वो टॉप गेमर वाला बंडल एंड वो जो जोकर वाला बंडल, मैंने तीनों बाय कर लिए थे, काफी ओपी बंडल थे। तो उस बार देखो तुम्हें अच्छे बंडल देखने को मिले थे तो हो सकता है इस बार भी। और तुम्हें पता ही है इंडियन सर्वर में अभी मैजिक क्यूब बंडल्स का कितना डिमांड है, मतलब काफी रेयर बंडल का काफी डिमांड है, मतलब अच्छे अच्छे बंडल का, क्योंकि तुम्हें पता है इंडियन सर्वर में बहुत टाइम से मतलब कोई भी मैजिक क्यूब स्टोर में अच्छे बंडल देखने को नहीं मिला एंड अभी अपडेट भी आ रहा है, मतलब जो मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट होगा, वैसे 4-5 दिन बाद अपडेट होगा बट उसमें शायद उतने अच्छे बंडल ना आए, लेकिन उसके बाद में OB30 का अपडेट आएगा, देन उसके बाद में 1 महीने बाद मैजिक क्यूब स्टोर होगा एंड वो मैजिक क्यूब स्टोर अपडेट होगा तो उसमें अच्छे बंडल देखने को मिलेंगे, बिकॉज उसी टाइम दिवाली इवेंट भी चल रहा होगा तो उस टाइम हो सकता है तुम्हें सारे रेयर बंडल देखने को मिल जाए एक बार फिर से। प्यास के मारे गला सूख गया बोलते बोलते, ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। तो गाइस ये तो गई हमारी मैजिक क्यूब एंड मैजिक क्यूब बंडल्स की बात, अभी अपन बात करते हैं मेन बंडल के बारे में। अब तुम सभी को पता होगा कि हर एक इवेंट, जैसे कि एनिवर्सरी इवेंट होता है एंड कोई भी दिवाली इवेंट होता है, उसमें एक बंडल होता है जो फ्री में मिलता है। और लाइक तुम्हें पता है अभी कुछ दिन पहले वो रैंपेज वाला इवेंट आया था, उसमें भी एक बंडल होता है जो फ्री में मिलता ही है। तो दिवाली में भी, मतलब जो दिवाली इवेंट होगा उसमें एक फ्री में बंडल देखने को मिलेगा, बट वो बंडल कैसा होगा उसका तो नहीं पता, बट हाँ एक बंडल जरूर फ्री में देखने को मिलेगा। एंड लाइक तुम मुझे कमेंट में बताना कि तुम्हें मेल का बंडल चाहिए या फीमेल का चाहिए। दोगे तो सब लोग लेंगे। तो देखो भाई अभी जो मैंने तुम्हें डिटेल दिया ये हाफ डिटेल है एंड इसके बाद में भी और सारी डिटेल है, मतलब बहुत सारे रिवॉर्ड्स है जो तुम्हें फ्री में मिलेंगे, तो वो क्या क्या होंगे वो मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एंड अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रख लो, क्योंकि मैं जब भी वो वीडियो अपलोड करूंगा तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड वो वीडियो भी काफी ओपी रहेगी। क्या बात है। तो बस यार गाइस यही था वीडियो में, अगर तो तुम्हें वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड तुम मुझे कमेंट में एक चीज बताना कि जो मैजिक क्यूब में बंडल्स होंगे, जो दिवाली इवेंट में बंडल आएंगे, उनमें तुम कौन कौन सा बंडल देखना चाहते हो वो तुम मुझे कमेंट में बता देना एंड हाँ वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और तुम्हें मैं एक शानदार चीज बताता हूँ, देखो मेरे डिस्क्रिप्शन में एक मालदार चीज का लिंक है, मतलब इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो कर लो, कुछ नहीं करना, मतलब लिंक पे क्लिक करना, इंस्टाग्राम पे पहुंच जाओगे एंड फॉलो कर लेना, ठीक है। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए